बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी में और यहां पे विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मरला डबल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। इस घर की जो डायमेंशन हैं वो है 35x70, 35 घर का फ्रंट है, विड्थ है और 70x70 घर की लेंथ है, लंबाई है। एंड व्यूअर्स, वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। घर का हम प्रॉपर विज़िट करेंगे और ड्यूरिंग द वीडियो आपके साथ में घर की डिमांड, फ्लोर प्लान और डिटेल सारी शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च किए बगैर। तो चलते हैं, विज़िट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए व्यूअर्स, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और एलिवेशन पे रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। घर के राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ घर कंस्ट्रक्टेड हैं, फैमिलीज रह रही हैं। तो अब मूव करते हैं घर के रैम पे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है, देन हमारे पास कार रैंप अवेलेबल है और कार रैंप पे टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। कार रैंप पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे घर का ग्रीन एरिया, क्यारी, लॉन, जो भी आप कह सकते हैं, अवेलेबल है। आप इसकी मज़ीद अच्छी प्लांटेशन कर सकते हैं। बिजली का 3 फेज मीटर इंस्टॉल्ड है और ब्रांड न्यू घर है। इसकी गैस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से सबमिटेड है, वो भी एज सुन एज़ पॉसिबल इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये इसका मेन गेट देख लीजिए व्यूअर्स, स्लाइडिंग गेट है जो कि लेफ़्ट की तरफ स्लाइड होता है। चलते हैं घर के अंदर, घर के पोर्च में। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास पोर्च का एरिया है और फ्लोरिंग पे हमारे पास मार्बल का इस्तेमाल किया गया है कार पोर्च में। और 10 मरला घर में आपको आइडिया होगा राइट या लेफ्ट साइड पे हमें स्ट्रीट छोड़नी पड़ती है फॉर वेंटिलेशन। इस घर में हमारे पास राइट साइड पे स्ट्रीट अवेलेबल है, तो राइट साइड की स्ट्रीट का विज़िट करते हैं, देन फर्दर हम घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर कम्प्लीट आप देख सकते हैं मार्बल इस्तेमाल किया गया है और जो साइड का एलिवेशन है यहाँ पर ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। घर के बैक साइड पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। और ये है हमारे पास घर की बैक साइड लॉन्ड्री एरिया और गीज़र भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है और बैक साइड के एलिवेशन पे भी हमारे पास ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। तो अगेन मूव करते हैं घर के पोर्च में, साइड वॉल्स देख लें। राइट साइड पर विंडोज़ जो हैं ये हमारे पास बेडरूम की वेंटिलेशन विंडो हैं और अगेन ये हमारे पास पोर्च का एरिया, यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो घर के अंदर इंटर होने के लिए व्यूअर्स, हमारे पास एक ही डबल डोर है, काफ़ी हाइटेड घर में इंटर होने के लिए। तो पहले साइड स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है और पानी का पंप भी अवेलेबल है। ये जो विंडो है हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है ग्राउंड फ्लोर के ड्राॅइंग रूम की। और अब आप पोर्च को एक और एंगल से देख लें तो बात करते हैं कि इसकी कार पार्किंग स्पेस की। कार पार्किंग स्पेस इतनी है, यहाँ पे आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ ईज़िली, 3 गाड़ियाँ ईज़िली एट अ टाइम आप पार्क कर सकते हैं। तो ग्लास का इस्तेमाल बिल्कुल सामने किया गया है, लेफ़्ट साइड पे वॉल डिज़ाइन की गई है और मेड में ब्लैक रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। घर के अंदर इंटर होने के लिए हमारे पास एक ही डबल डोर है, काफ़ी हाइटेड और अच्छी वुड का। तो चलते हैं घर के अंदर। घर में एंटर होते हैं तो व्यूअर्स, ये हमारे पास लॉबी का एरिया है, फ्लोर पे टाइल है, ग्राउंड फ्लोर का मेन स्विच बोर्ड हमारे पास यहाँ पे है। फर्दर हम लेफ़्ट टर्न करते हैं तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम है और डोर के साथ सेपरेट है, बिल्कुल सामने हमारे पास डोर से ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है। राइट टर्न करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट एक्सेस है। तो डबल यूनिट हाउस है, फर्स्ट फ्लोर को आप ईज़िली सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज में। तो ये हमारे पास टीवी लाउंज का एरिया है, सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और फ्लोरिंग पे हमारे पास टाइल का इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड पे हमारे पास विंडो भी है। घर में हमारे पास SOS कंपनी का अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका फ्लोर प्लान समझाता हूँ व्यूअर्स। ये हमारे पास टीवी लाउंज का एरिया है और फर्दर बिल्कुल सामने हमारे पास क्लोज किचन है और एंट्रेंस लॉबी से जो हम लेफ़्ट टर्न करते हैं तो हमारे पास सेपरेट ड्राइंग रूम है और फर्दर 2 बेडरूम जो हैं हमारे पास ये बिल्कुल सामने अवेलेबल हैं। तो अगेन डिटेल दे दूं व्यूअर्स आपको, आज की न्यू वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं ब्रांड न्यू 10 मरला डबल यूनिट हाउस का
जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, फिनिशिंग का, फर्दर इंटीरियर एक्सटीरियर का आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करके मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो ये हमारे पास टीवी लाउंज का एरिया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। तो ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग की जो हमारे पास टाइल है वो फैंसी शाइनिंग टाइल का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं वॉल्स काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं और यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन विंडो भी अवेलेबल है। ड्राइंग रूम में हमारे पास दो फैंस हैं और काफ़ी खूबसूरत हमारे पास फानूस इस्तेमाल भी किया गया है और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। एलईडी बल्ब्स और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है सीलिंग में। तो ये अब आप ड्राइंग रूम को एक और एंगल से रिव्यू कर लें। व्यूअर्स, घर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है काफ़ी अमेजिंग है। लोकेलिटी काफ़ी पीसफुल है और इस लोकेलिटी में गैस, बिजली और पानी सब कुछ अवेलेबल है और ब्रांड न्यू घर है। इसकी गैस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से सबमिटेड है। बाकी बिजली और पानी इस घर में हमारे पास अवेलेबल है और गैस भी इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये छोटा सा पाउडर रूम है हमारे पास। फर्दर अब आप इस एंगल से इस बेडरूम का एक रिव्यू कर लें ताकि आपको इसकी स्पेस का एक अच्छा एरिया हो जाए। और अब मूव बैक करते हैं अगेन लॉबी एरिया में, देन हम फर्दर चलते हैं इसके बाकी घर का हिस्सा देख लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में इन टोटल हमारे पास दो बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, एक टीवी लाउंज है काफ़ी स्पेशियस, एक ड्राइंग रूम है विद वॉशरूम और एक हमारे पास क्लोज किचन अवेलेबल है। ये हमारे पास किचन का एरिया है। कैबिनेट्स वगैरह अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं। किचन में रेंज हुड और बर्नर हमारे पास इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे शेल्फ और यहाँ पे मिड के पैच में हमारे पास डिफरेंट टाइल वर्क किया गया है। तो ये क्लोजली इसका रेंज हुड और बर्नर चेक कर लें। किचन में हमारे पास वेंटिलेशन विंडो भी है और एग्जॉस्ट फैन भी अवेलेबल है। तो जो किचन का डोर अवेयर्स हमारे पास वुड प्लस ग्लास का काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। और अब आप किचन के एंगल से टीवी लाउंज का एक रिव्यू कर लें और इसकी फ्लोरिंग का भी एक रिव्यू कर लें। ब्लैक कलर की स्कॉटिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स हमारे पास किचन की फ्लोरिंग जो है वो डिफरेंट है और जो ड्राइंग रूम है उसकी फ्लोरिंग हमारे पास डिफरेंट है। बाकी टीवी लाउंज और बेडरूम्स की जो फ्लोरिंग है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। राइट पे हमारे पास बेडरूम नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन विंडो भी है। फ्लोरिंग पे टाइल वर्क है और सीलिंग डिज़ाइन हमारे पास डिसेंट सा तैयार किया गया है। और फर्दर राइट मुड़ते हैं तो हमारे पास फोर डोर इसकी हाइटेड जो सीलिंग तक अटैच है वार्डरोब्स वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी आप एक नज़र देख लें। और ये घर की बैक साइड है, लॉन्ड्री का एरिया। और वॉल्स पे हमारे पास सिंपल वाइट कलर का पेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं हमारे पास फ्लोरिंग पे डल टाइल्स है और वॉल्स पे हमारे पास काफ़ी हाइट तक फैंसी डल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ इसका वेंटिलेशन विंडो और एग्जॉस्ट फैन। फर्दर मिरर एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब आप वॉशरूम के एंगल से इस बेडरूम का एक रिव्यू कर लें। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और यहाँ पे फ्लोर। तो मूव बैक करते हैं टीवी लाउंज की तरफ। ये अब आप इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज का एक रिव्यू कर लें इसकी सीलिंग का ताकि जो सारी स्पेस है वो आप एक इजीली आपको नज़र आ सके। तो व्यूअर्स, जिस लोकेलिटी में घर अवेलेबल है 10 मरला की कटिंग है इस लोकेलिटी में और काफ़ी पीसफुल लोकेलिटी है। मस्जिद, पार्क, स्कूल, कमर्शियल एरिया, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। और घर जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ये बेडरूम नंबर सेकेंड है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है वॉल डिज़ाइन की गई है फैंसी वॉलपेपर्स की हेल्प से। और इसका जो वॉशरूम है वो हमारे पास बिल्कुल सामने अवेलेबल है
और जो इसकी वार्डरोब्स का पैच है वो हमारे पास राइट साइड पे है। तो ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फर्दर राइट टर्न करते हैं तो हमारे पास इसका वार्डरोब का एरिया अवेलेबल है। तो ग्राउंड फ्लोर का व्यूअर्स हमने विज़िट कंप्लीट कर लिया है। अगेन आपको बताता चलूँ, ग्राउंड पोर्शन पे हमारे पास दो बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, एक टीवी लाउंज है, एक ड्राइंग रूम है और एक हमारे पास क्लोज किचन अवेलेबल है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसके लॉबी एरिया में, देन हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस वहाँ से है, फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे और बाकी घर का विज़िट करेंगे और देन मैं आपको घर की डिमांड आस्किंग प्राइस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये हमारे पास अगेन लॉबी एरिया है और यहाँ से हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेप्स हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को भी ग्राउंड पोर्शन की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये जो लेफ़्ट साइड पे डोर है, सबसे पहले आप देख लें इसको, आप एज अ स्टोर रूम भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास टेरेस की एक्सेस है और फर्दर अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हमारे पास जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम था, फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है, बेडरूम नंबर फर्स्ट। और सेम पैटर्न के साथ हमारे पास सेकेंड टीवी लाउंज, किचन और बेडरूम्स जो हैं वो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मीडिया वॉल है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन की गई है, बाकी जो फ्लोर प्लान है वो बिल्कुल सेम टू सेम ग्राउंड पोर्शन की तरह है। बाहर के साइड पे बेडरूम नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्शन में। यहाँ पे हमारे पास किचन है क्लोज, फर्दर सेकंड और थर्ड बेडरूम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का जो सीलिंग डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और वॉल्स पे काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया गया है और वॉल्स डिज़ाइन की गई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास ग्राउंड पे बिल्कुल सेम टाइल इस्तेमाल की गई हैं थ्रू आउट द फर्स्ट फ्लोर। ये एक और एंगल से रिव्यू कर लें तो यहाँ विंडो है और पूरे घर में जो बटन्स हैं वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो मूव करते हैं किचन में, देन फर्दर मैं आपको घर की डिमांड आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है फ्रॉम ऑनर साइड वो है 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लैक्स घर की आस्किंग प्राइस है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है वो इसका ऑन ग्राउंड विज़िट करना चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है विद नेम और आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आप मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे कांटेक्ट करके इस घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो अगेन रिपीट करता चलूँ, ब्रैंड न्यू 10 मरला हाउस अवेयर्स जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में 3 करोड़ 50 लाख कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है, आप चाहें तो दोनों पोर्शनों को सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं या एक पोर्शन में ख़ुद रह के सेकेंड पोर्शन को आप रेंट आउट कर सकते हैं। 5 बेडरूम्स हैं घर में हमारे पास विद वॉशरूम, 2 किचन हैं, 2 TV लाउंज हैं और हमारे पास छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम जो है वो अवेलेबल है। कार पार्किंग स्पेस जो है वो हमारे पास घर में, आप घर के अंदर 3 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। बाकी इसका जो रैंप है वो भी काफ़ी बड़ा है, रैंप पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो ये वॉशरूम है और वॉशरूम का जो हाफ पैच है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डल टाइल्स हैं और जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं डिफरेंट डल टाइल्स हैं। मिरर एरिया इसका डोर के बैक साइड पे है और रूम में हमारे पास 4 डोर हाइटेड वार्डरोब्स भी अवेलेबल हैं। विंडोज़ के ऊपर व्यूअर्स आप देख सकते हैं हर रूम में हमारे पास जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो हमारे पास ये है कि विंडोज़ पे सिक्योरिटी ग्रिल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ओवरऑल जो घर जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, सीलिंग डिज़ाइंस, इंटीरियर जो है काफ़ी खूबसूरत है। सिर्फ हमारे पास जो है वो विंडोज़ के ऊपर
वो नहीं लगाया गया सिक्योरिटी ग्रिल। ये बेडरूम नंबर सेकंड है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ पे रूम में ही हमारे पास फोर डोर वार्डरोब्स हैं। लेफ़्ट साइड पे काफ़ी खूबसूरत वॉल्स डिज़ाइन की गई हैं। ये घर की बैक साइड है। घर के अगर आप अंदर से देखें तो लेफ़्ट राइट साइड दोनों तरफ घर कंस्ट्रक्टेड हैं, फैमिलीज रह रही हैं, और घर की बैक साइड पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। घर का जो फ्रंट है वो फ़िलहाल ओपन है, और उसके अलावा जो रोड्स हैं वो फुली कारपेट रोड्स हैं, और काफ़ी जो है पीसफुल लोकेलिटी पे ये घर अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि जो कमर्शियल एरिया है वो भी काफ़ी करीब में है, मस्जिद, स्कूल, पार्क, सब कुछ जो है ज़रूरत की जो चीज़ें हैं सब कुछ इस घर से काफ़ी करीब है। तो रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर थर्ड रह जाता है। उसको आप बेडरूम नंबर थर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, या फर्स्ट फ्लोर का आप इसको ड्राइंग रूम भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे है सेपरेट बिल्कुल, और इस रूम को भी काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग रूम की तरह डिज़ाइन किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन इसका आप चेक कर लें, काफ़ी खूबसूरत है। वॉल्स पे सिंपल वाइट पेंट है, और यहाँ पे हमारे पास फर्दर इसकी वार्डरोब्स हैं और इसका वॉशरूम है। हर घर की तरह व्यूअर्स, इस घर की भी छत पे हमारे पास सर्वेंट रूम विद वॉशरूम जो है वो अवेलेबल है। फ्लोरिंग पे सेम पैटर्न की टाइल है और ब्लैक स्कॉटिंग। यहाँ पे इसकी टू डोर टोटल फोर डोर वार्डरोब्स हैं। फर्दर का ये वॉशरूम, फ्लोरिंग पे डल टाइल्स हैं, और वॉल्स पे भी हमारे पास डल टाइल्स के इस्तेमाल किया गया है। शॉवर एरिया, ये जो वॉशरूम है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉशरूम्स ये थोड़ा सा बड़ा है। तो व्यूअर्स, छत पे हमारे पास जैसे कि हर घर की तरह सर्वेंट रूम और वॉशरूम अवेलेबल होता है, इस घर में भी है, तो वो आपको ऑन ग्राउंड विज़िट करवाया जाएगा। इसके अलावा आज की न्यू वीडियो में हमने विज़िट किया है ब्रैंड न्यू 10 मरला प्रॉपर डबल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ 8 की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, लोकेलिटी काफ़ी पीसफुल है। घर की जो डिमांड है वो है 3 करोड़ 50 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट को आपने लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।